अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम गोयल सर के साथ अपनी D9 की श्रृंखला में 10th हाउस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। प्रणाम सर। नमस्कार सर, आप हमेशा बोलते हैं कि 10th हाउस किसी भी चार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस होता है। हाँ, तो काफी इम्पोर्टेंट होता है। तो सर, आज हम लोग D9 में 10th हाउस को लेके क्या सीखेंगे? नहीं, हमारा तो भैया सिंपल अप्रोच है, हमेशा जी जो सर, बेसिक रूल है वो ही लगाते हैं हम तो, जी सर, है ना। अब 10th हाउस जो है वो कर्म का भाव है, और जब हम उसको नवांश में देखते हैं और नवांश को हम विवाह का चार्ट लेकर के चलते हैं, और भी मीनिंग है उसके, पर हम यहां बात जो कर रहे हैं विवाह के चार्ट की कर रहे हैं। जी सर, तो विवाह के संदर्भ में आपके कर्म कैसे हैं ये दशम भाव दिखाता है। जी ठीक है जी। जी सर, तो दशम भाव पे अब एक और गुण देखो दशम भाव का। ये दशम भाव आपके चतुर्थ भाव को भी दृष्ट करता है, दृष्ट करता है दशम भाव। हाँ, और चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है, हैप्पीनेस का है। हाँ, तो आपका धर्म और सुखी। हाँ, तो कर्मों का विवाहित जीवन में कर्म और सुख दोनों जुड़े हुए, दोनों जुड़े हुए हैं जी। आपके कर्म शुभ है तो सुख मिलेगा, कर्म सुख, क्योंकि ये एक दूसरे की शक्ति है। कर्म से सुख मिलता है, सुख से कर्म मिलता है, या इसका विपरीत मिलता है। ये फिलॉसफी है 10th हाउस की। ठीक है। तो अगर दशम भाव में पाप ग्रह हो गए तो चतुर्थ पे भी पाप दृष्टि चली गई, और कर्म आपके एग्रेसिव हो गए और आपने उसको बिगाड़ दिया। मंगल उसको होता है, दिया। मंगल है, सूर्य है, हाँ, कर्म एग्रेसिव हो गए। शनि है तो आप वैराग्य में चले गए कर्मों में, या डीप चले जाते हो किसी भी चीज को सोचने में। अगर शुभ वो पाप ग्रह वहां बैठे हैं तो सुख में कमी हो जाएगी, क्योंकि आप एग्रेसिव हैं, ध्वंस दिखाना चाहते हैं। शुभ ग्रह हैं दशम में तो आपके कर्म शुभ होंगे, परोपकारी कर्म होंगे, और वो आपके चतुर्थ भाव का सुख भी दे देंगे। तो कर्मों पे सुख आपका डिपेंड करता है, सीधी सीधी बात है। एक तो नजरिया ये है दशम भाव का, और एक और नजरिया स्त्रियों के लिए बता देता हूं, है कि वो सप्तम भाव से चतुर्थ भाव है। हैं, मेरी सास कैसी है, सासू माँ कैसी है। विवाहित जीवन में मेरी सासू माँ कैसी है, और वो मेरे कर्म भी है। देखो कितना बढ़िया मेल बैठ रहा है कि मेरे कर्मों से सासू माँ भी बदल सकती है, उसको आप अच्छाई की तरफ मोड़ सकते हो या बुराई की तरफ भी मोड़ सकते हो। परंतु फिक्स्ड है ये 10th हाउस में, अगर पाप ग्रह आ जाते हैं। अब यहां देखो डिफरेंस एक देखने की बड़ी बात होती है, जो ग्रह दशम भाव में बैठे हैं वो वहां बैठ करके काम कर रहे हैं, और जो दृष्ट करने वाले ग्रह होते हैं वो दूर से बैठ करके उसको
लेक्चर देते हैं ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, एडवाइजर होते हैं। ठीक है तो दृष्टि का ये होता है, मैं यही कहता हूं कि जब कोई ग्रह दृष्टि कर रहा होता है तो वो वहां नहीं है, वो दूर से बैठ के लाउड स्पीकर पे तुम्हें लेक्चर दे रहा है ऐसा करो। ये बहुत सुंदर पॉइंट है, हमको नोट करना चाहिए कि यहाँ एक क्लू मिल जाता है कि दृष्ट करने वाले ग्रह एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं। जी सर ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको, अब ये देखो दर्शन भाव क्यों जरूरी है, वो आपके किसी भी वर्ग कुंडली का कर्म है। आपने अगर एक चीज डिफरेंस नोट करो, सबसे बड़ा राजयोग 9th और 10th हाउस का बनता है। हाँ, एकदम। 9th हाउस को हम सब बोलते हैं ये धर्म का भाव। मैं उसको धर्म क्या होता है, धर्म आपका कर्तव्य है। तो कर्तव्य और कर्म यदि सही, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मैं कर्म क्या करता हूं उसके अनुयायी करता हूं। तो ये इसका विश्लेषण है। इसीलिए दशम भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, और इससे ज्यादा सरल तरीके से मैं नहीं समझा सकता। नहीं सर, बहुत सरल तरीके से आपने समझा, और ये भी आपने बताया कि किस तरह से हम एस्पेक्टिक प्लैनेट्स को देखेंगे, किस तरह से रिस्ट करना सर जो बैठा है ही। हाँ चलिए सर, यदि मतलब जो आपने बोला कि मदर इन लॉ का भाव भी है, यहाँ एक स्त्रियों के लिए भी ये क्वेश्चन है या आदमियों के लिए भी ये क्वेश्चन है, तो यदि वो उनके प्रति भी अपना एक जनरल एक अच्छा विचार या व्यवहार रखे तो भी हम अपने कर्तव्यों में सुधार ला सकते हैं या अपने कर्मों में सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स को जब आप कर्म कर रहे हो उनको वजन दो कि भाई साहब मैं इसको फॉलो करूं या ना करूं। वो लाउड स्पीकर पे एडवाइस देने वाले हैं तो उनसे एडवाइस ले लेनी चाहिए, ले या ना ले, कई दफे अच्छी मिल जाती है कई दफे खराब मिल जाती है। हाँ, फिर वापस वो बहुत सुंदर पॉइंट आपने बोला कि वो बेनिफिक है तो अच्छी एडवाइस मिल जाएगी, मैलिफिक है तो बेनिफिक है फंक्शनल है। मैं ज्यादातर जब वो पॉसिबिलिटीज देखते हैं प्रॉमिस देखते हैं हाँ, तो फंक्शनल नहीं लेते हैं। हाँ, नेचुरल होते हैं। हाँ, चलिए सर तो ये क्वीन विक्टोरिया का चार्ट है सर यहाँ पर। ठीक है लगाओ देखते हैं, हम D9 पे देखेंगे सीधा सिर्फ। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पर D9 ही लगाती हूँ। जी सर, वैसे भी इनका लग्न वर्ग उत्तम है। जी सर, अब आप D9 देख लो भाई, ये विक्टोरिया का D9 है। जी सर ठीक है, अब जो कर्म है, मंगल महाराज बैठे हुए हैं, दिग्बली होके और कोई दृष्टि नहीं है सर, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है सॉरी। तो अब ये जो मंगल है, मैंने कहा ना कि मंगल शनि वगले वो अपने कर्म में अथॉरिटी ला रहे हैं। ये तो सेनापति है ना, सूर्य हो या सेनापति हो, मैं तो हुक्म चलाने वाला हूं। तो मेरे कर्मों में विवाह के अंदर एक अथॉरिटी है। हाँ, था जरूरत नहीं। हाँ, विवाह में तो अथॉरिटी वही है, है नहीं, बिकॉज शी इज द क्वीन। और ऐसे भी इन द मैरिज शी वाज द वन हु ऑलवेज यूज्ड टू रूल, और विवाह में भी उनके आपसी संबंध में भी उनका ही बोलबाला ज्यादा, उनका बोलबाला रहेगा। बृहस्पति देख रहे हैं, अब बृहस्पति शुभ ग्रह माने गए हैं, ठीक है, तो वो इसको एडवाइस कर रहे हैं कि भाई धर्म का पालन करो, बुद्धिमानी से काम करो, अपने जो तुम्हारे अथॉरिटी वाले एक्शन है उसमें उसको बुद्धिमानी
बुद्धि का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। थोड़ी सी सौम्यता लाओ, ये भी बोल सकते। हाँ ठीक है। अब मैं यह क्यों फंक्शनल और नेचुरल में बोलता हूं? नेचुरल में तो ये बृहस्पति हैं, भाई गुरु हैं। फंक्शनल में ये देख लो, एट्थ और इलेवेंथ रॉड है, मैलेफिक है, तो वो गलत एडवाइजर भी बन सकता है। अब यहां पर कितनी मेरे को एडवाइस माननी है, ये मेरा ज्यूरिस्डिक्शन है, वो ज्यूरिस्डिक्शन है। अब इसके बाद हम दशमेश को देख लेते हैं। शनि वो कहेगा भाई मैं मानता हूं नहीं मानता हूं, अपनी मन की चलाता हूं या मेरी मन की नहीं चलती, मेरे कर्म बंधन में रहे या नहीं है। अब दशमेश शनि महाराज है जो केतु के साथ बैठे हुए हैं और बुध के साथ बैठे हुए, हाँ बुध पंचमेश भी है। हाँ तो मेरे जो कर्मों की, मेरी जो सोच होती है, मैं जैसे करता हूं वैसे करूं, मैं अपने कर्मों में अपनी इंटेलिजेंस में ले जाता हूं, केतु की सीक्रेसी रखता हूं और बुद्ध की बुद्धिमता रखता हूं वर्ल्डली वाइज। तो मेरे जो कर्म है वो दुनियादारी को मन में रख करके होते हैं, दिमाग में रख करके होते हैं और वो सीक्रेट होते हैं। मेरे विवाह के कर्म सीक्रेट रहते हैं। ठीक है भैया, ससुर माँ को देख लो, जो सासू माँ, उनका कोई रोल ही नहीं था उनके। हाँ, तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, सासू माँ से बात ही नहीं है, अथॉरिटी तो मैं हूं, मंगल बैठे हुए मेरे कर्म। दशम भाव आपके कर्म है, कर्मों को करते कैसे हैं, वो दशमेश है। तो आपने क्या कर्म किए ये हमने दशम भाव से देखा, कैसे कर्म करेंगे ये हमने दशमेश से देखा, और हमने ये भी देखा कि आपको उसके फल कैसे मिलेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव वहां से आप उसका सुख बता रहा है, सुख बता रहा है। साथ ही हमने ये भी देखा कि व्यक्ति अपने मदर इन लॉ को वो स्थान प्रतिष्ठा देगा या नहीं देगा, ये भी हम D9 के 10th हाउस से देख सकते हैं। बहुत कुछ D9 हमारा बताता है, लेकिन क्या हम वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं? यही चीजें और बहुत सारी चीजें हम अपने आने वाले वेबिनार्स में लेकर आ रहे हैं सर के साथ। 10 अभी हमारा जो वेबिनार है वो 8th हाउस पर है, और जनवरी में 14th जनवरी 21st जनवरी 2 दिन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाला है। यदि आपको रजिस्टर करना है तो आप हमारे वेबसाइट से या हमें व्हाट्सएप करके रजिस्टर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।